बच्चों, मैंने आपकी मुलाकात दुनिया भर के बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट से करवाई है ना? लेकिन जाहिर है बहुत सारे हैं और उनमें से चंद से मैंने आपकी मुलाकात करवाई है। आज जो आर्टिस्ट हैं इनका नाम है रेम्ब्रांट, और वो माने जाते हैं दुनिया के अजीम तरीन आर्टिस्ट में उनका शुमार होता है। और ये हॉलैंड में पैदा हुए और वहीं पर उनका इंतकाल हुआ। वो 1606 में पैदा हुए थे और 1669 में उनका इंतकाल हो गया था। अच्छा, तो वो जो यानी जिस शहर में उन्होंने काम किया वो आपको मालूम है, ज़रूर नाम सुना होगा आपने उसका, एम्स्टरडम है ना? तो एम्स्टरडम में उस ज़माने में बेशुमार विंड मिल्स, जो पनचक्कियाँ होती हैं, वो थी। तो रेम्ब्रांट, ये देखिए मैं आपको एक पुरानी उसकी वो दिखाती हूँ, जाहिर है ड्राइंग है ये। और रेम्ब्रांट को बड़ा मज़ा आता था इसलिए कि उनके अब्बा के पास भी एक ये पंचक्की जो है वो मौजूद थी, और वो खेला करते थे। और अब्बा उनको जाहिर है डांटते होंगे कि ये कोई खिलौना नहीं है, ठीक है ना, काम की चीज़ है, इससे आटा पीसा जाता था। अच्छा, और कैमरे तो थे नहीं उस ज़माने में, जाहिर है इतने साल पुरानी बात है। तो रेम्ब्रांट कैसे दिखते थे वो हम इसलिए जानते हैं कि रेम्ब्रांट ने अपने आप को बहुत ज़्यादा पेंट किया, यानी खुद अपने मॉडल बनकर अपने पोर्ट्रेट्स बनाए उन्होंने। तो ये जो तस्वीर है ये थे उस वक्त 23 साल के, ये देखिए है ना, ये 23 साला रेम्ब्रांट। और फिर जब कुछ उम्र और बढ़ गई और बड़े हो गए और मोटे हो गए, और ये भी रेम्ब्रांट ने अपनी तस्वीर बनाई है। तो रेम्ब्रांट की जो पेंटिंग्स में ख़ास बात थी वो थी जो लाइट और शेड का जो खेल है ना, यानी रोशनी कहाँ से पड़ती है, और बड़ा कंट्रास्ट था। तो जो जो हिस्से रोशन थे वो ज़्यादा निकल कर आते थे, और जो डार्क थे वो भी जाहिर है नुमाया होते थे। और रेम्ब्रांट ने अक्सर जो काम किया वो घर पर किया, उनकी जो पेंटिंग्स हैं वो उन्होंने घर पे बनाई थी। तो घर पे उनके बीवी और बच्चे भी, यानी ऐसा तो नहीं हो सकता कि अपने आप को बिल्कुल बंद करके और काम किया जाए, तो यकीनन डिस्ट्रैक्शंस होते होंगे। बीवी कहती होगी कि देखो ये जो बाल्टी है उसमें लीक हो गया है, पानी गिर रहा है, इसको ठीक कर दो। या बेटा कहता होगा कि घोड़ा कैसे बनाते हैं, ज़रा बताएं अब्बा, तो घोड़ा बना के। तो इस किस्म की होती होगी चीज़ें। लेकिन लेकिन फिर भी आपको मालूम है कि रेम्ब्रांट ने 500 से ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई हैं, और वो दुनिया के बहुत सारे बड़े शहरों में आज भी म्यूज़ियम्स में नुमाइश उनकी की जाती है। एम्स्टरडम के म्यूज़ियम्स में तो जाहिर है कि वो हैं ही, और हॉलैंड के, नेदरलैंड्स के और शहरों में भी। लेकिन उसके अलावा वो फ्रांस में जो यानी शहर है पेरिस, जिसमें बहुत बड़ा म्यूज़ियम है लूवर, वहाँ पर है उनकी पेंटिंग्स। और न्यूयॉर्क में हैं, और बॉस्टन में हैं या अमेरिका में, और यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी में भी जो नेशनल पोर्ट्रेट की का म्यूज़ियम है बहुत बड़ा, नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी, तो उसमें भी रखी हुई हैं।
तो ये बहुत मशहूर हैं और वो अपनी फैमिली को मॉडल्स के तौर पे इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है ना। तो अपने वालदेन को, अपनी बहन को, भाई को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, यहाँ तक कि अपने कुत्ते को, तो वो इस्तेमाल करते थे एज मॉडल्स। क्योंकि देखना होता है ना कि लोग कैसे दिखते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं। जैसे ये उनकी अम्मा की वो है पेंटिंग, ये देखिए बाइबल की वो पढ़ाई कर रही है, तिलावत कर रही है। तो वो अपनी अम्मी को भी बना और अपने अब्बा को, ये अब्बा है। लेकिन रेम्ब्रांड को बड़ा शौक ये था कि लोगों को वो जो कपड़े पहनाते थे ना, तो उनको जमा करने का भी बहुत शौक था। तो पैसा तो उन्होंने बहुत कमाया अपनी ज़िंदगी में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ ऐसे आर्टिस्ट बेचारे जो बहुत ही यानी गुर्बत में रहे और दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में उन्होंने कोई कमाई नहीं की। लेकिन उसके बरक्स रेम्ब्रांट को बहुत सारे काम मिला करते थे और लोग उस ज़माने में अपने पोर्ट्रेट्स बनवाने के लिए रेम्ब्रांट के पास आते थे, और दूसरे भी जो दूसरी भी तस्वीरें उन्होंने बनाई। लेकिन उनको क्योंकि शौक था कि सोना और चांदी और स्टैचूज और दूसरी ऐसी एंटीक चीज़ें और कपड़े, सिल्क्स और ब्रोकेड और वो सब जमा करने का, बड़े से आलीशान घर में रहने का, तो उनके पास पैसा बचता वचता नहीं था। इसलिए कि अच्छा, और वो ये चीज़ें जो खरीदते थे उसकी भी एक वजह थी, और वो वजह ये थी कि वो अपनी पेंटिंग्स में इनको इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। अच्छा, ये टाइटस है उनका बेटा, ये देखें, ये उसकी तस्वीर है। आपकी तरह वो भी मेरा ख्याल है कोई या तो मतलब किसी मजमून में, हिसाब या किसी चीज़ में वो फंसा हुआ है और सोच रहा है, या फिर काम करते करते, अपना होमवर्क करते करते वो कुछ कहीं और चला गया है उसका जहन। हाँ, तो रेम्ब्रांट का जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनकी जो खूबी थी, एक एक तस्वीर की मैं डिटेल दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए, यानी रंग जो है आप दूर से पहचान सकते हैं कि ये पेंटिंग जो है ये रेम्ब्रांट की हुई है। अच्छा, उस ज़माने में लोग कुछ वैसे भी जो अपनी अपनी पोर्ट्रेट्स बनवाना चाहते थे, तो वो उमूमन काले कपड़ों में बड़े फॉर्मल दिखें, और उस ज़माने का रिवाज था बड़ी बड़े बड़े कॉलर्स। ये देखिए ये कॉलर है ना, किस कदर बड़े और कुछ अजीबो गरीब। तो ये अलग से ऊपर से कॉलर पहने जाते थे, और लोग बहुत फॉर्मली बैठ के और अपनी वो तस्वीर रेम्ब्रांट से बनवाया करते थे। और रेम्ब्रांट खुद भी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके पास जो चीज़ें वो जमा करते थे, तो उनको शौक था कि वो खुद वैसी वो पहन के और अपनी पेंटिंग खुद बनाए। जैसे ये उनकी बीवी है सस्किया, और ये वो खुद हैं, ये देखिए। तो उनके कपड़े, उनके उनका हैट और बाकी सारी चीज़ें, तलवार भी लगाई हुई है, और ये जो है इसमें उनका कुत्ता भी है, ये देखिए, ये भी वो खुद हैं। अच्छा, तो ये बड़ी यानी मज़े की बात है कि रेम्ब्रांट ने अपने ख़ानदान को और ख़ुद को बहुत इस्तेमाल किया अपनी तस्वीरों में। अच्छा, एक पेंटिंग जो इनकी बड़ी मशहूर है, वो है एक कपड़े बनाने वालों की एक एक मीटिंग, एक यानी उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, गिल्ड था,
उसकी एक मीटिंग, और उसमें यानी ये बनवाई थी उन लोगों ने, लेकिन रेम्ब्रांड ने ऐसे वो पोर्ट्रेट्स बनाए हैं कि लगता है कि आप किसी कमरे में बस चले गए और लोग बातें करते करते ठहर के रुक के आपकी तरफ देख रहे हैं, इतनी वो रियलिस्टिक और उनके एक्सप्रेशंस। और देखिए ये वाली बड़ी मशहूर पेंटिंग है रेम्ब्रांड की ये। और एक और जो बहुत मशहूर पेंटिंग है उसका नाम है द नाइट वॉच, ठीक है, और ये समझी जाती है रेम्ब्रांड की यानी तकरीबन सबसे उम्दा, सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट पेंटिंग। तो इसमें सिपाही हैं, दरअसल ये एक कमीशन्ड काम था, यानी उन लोगों ने, सिपाहियों ने रेम्ब्रांड को कहा कि हमारे क्लब के लिए, हमारे क्लब हाउस के लिए हमें आप तस्वीर बना दें। तो रेम्ब्रांड ने ये नाइट वॉच, मैं दिखाती हूँ आपको करीब से, ये देखिए ये है वो तस्वीर द नाइट वॉच, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, लेकिन हुआ यूँ, जैसे होता है ना अक्सर के हर कोई खुश नहीं होता कि जो मतलब आर्टिस्ट ने जो कुछ बनाया है, तो बाज़ दफ़ा लोग जो हैं वो उससे उनको लगता है कि अरे मुझे तो छोटा बना दिया और मुझे तो मतलब दूसरों के बराबर नहीं हूँ और मैं तो ऐसा खूबसूरत नहीं दिख रहा, या जो जो भी उनके मसले। तो इस तस्वीर के साथ भी यही हुआ कि हालांकि ये दुनिया की बहुत मशहूर तस्वीर है, पेंटिंग है, लेकिन रेम्ब्रांड के वो जो यानी वो जो सिपाही थे जिन लोगों ने उससे बनवाई थी ये तस्वीर, वो खुश नहीं थे बल्कि कुछ नाराज़ थे। बहरहाल रेम्ब्रांड ने उसकी कोई परवाह नहीं की, बल्कि जब वो ये नाइट वॉच बना रहे थे उस वक्त उनकी बीवी सस्किया की तबीयत बहुत ख़राब थी, और उसी दौरान उस तस्वीर के बनते बनते उनका इंतकाल हो गया। तो जाहिर है कि रेम्ब्रांड बहुत उदास थे, यानी एक तो बाद में ये सबकी नाराज़गी भी और बीवी की मौत, लेकिन रेम्ब्रांड ने काम करना नहीं छोड़ा, वो बददिल नहीं हुए, वो अपनी जो भी उनकी उदासी या जो कुछ भी था, लेकिन वो अब उन्होंने रोका नहीं अपना काम, वो काम करते रहे और मतलब बेहतर से बेहतर काम उन्होंने किया। और उसके अलावा उन्होंने लैंडस्केप्स भी बनाए हैं, आपको पता है ना जब आप बाहर जो दरख्त हैं या पानी है, समंदर है, दरिया है, जो भी कुछ है, और पहाड़ हैं और ऐसी जो चीज़ें हैं, तो और आसमान, ज़मीन, खेत, तो उसको जब आप बनाते हैं, पेंट करते हैं, तो उनको कहा जाता है लैंडस्केप्स, है ना। तो रेम्ब्रांड ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोगों की तस्वीरें बनाई, बल्कि उन्होंने लैंडस्केप भी बनाए, और एक लैंडस्केप मैं आपको दिखाती हूँ उनका, द मिल, ये वो विंड मिल है, ये देखिए है ना, और किस कदर यानी आप आसमान देखिए कैसे बनाया हुआ है। और आपने गौर किया होगा कि इसमें भी जो रंग हैं वो उसी तरह के रंग उन्होंने इस्तेमाल किए हैं जैसे अपने पोर्ट्रेट्स में इस्तेमाल किए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यानी हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों ने गए होंगे बाहर और म्यूज़ियम्स में रेम्ब्रांड की पेंटिंग्स देखी होंगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी तो अल्लाह करे कि आप लोग देख सकें। ये जो सब बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े आर्टिस्ट जिनके बारे में आपको बताती रही हूँ, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि आप इनकी तस्वीरें, इनकी पेंटिंग्स एक दिन खुद जाके और देखेंगे, देख सकेंगे। ठीक है, चलें, खुदा हाफिज़।